Audio Jungle. कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यमुना विहार पार्षद प्रमोद गुप्ता पुरजोर मेहनत में लगे हुए हैं। सुबह से ही अपने वार्ड में सैनिटाइजर ट्रक व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इलाकों में पहुंच जाते हैं और खुद अपने सामने पूरे इलाके को सैनिटाइज कराते हैं। खासकर सार्वजनिक स्थलों पर कराते हैं जहाँ पर जनता का ज्यादा आना जाना लगा रहता है। इसका जायजा हमारे संवाददाता योगेश कुमार सोलंकी ने लिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की महामारी से बचाने के लिए जिस तरह से यमुना विहार निगम पार्षद दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसी के तहत वो अपने वार्ड को सैनिटाइज कराने के भी जुगत में लगे हुए हैं। जिस तरह से कोरोना की महामारी शुरू हुई है, वो अपने वार्ड के हर ब्लॉक को एक एक बार सैनिटाइज करा चुके हैं, लेकिन जनता की मांग और जनता के भले के लिए वो दोबारा इस सैनिटाइज मशीन के द्वारा लगातार सुबह से ही इलाके में अपने सामने सैनिटाइज करा रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि एक बार पूरा ब्लॉक उनका सैनिटाइज हो गया, उसके बावजूद दोबारा वो जो करा रहे हैं, क्या कहना है उनके? प्रमोद जी, बात कर जिस तरह देखा जा रहा है कि पहले भी सैनिटाइज करा दिए पूरा वार्ड, अब दोबारा शुरू करा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम भारत इस महामारी से जीतेगा। तो हम हर नागरिक का फर्ज बनता है, हम सब लोग मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ें और इसके अंदर नगर निगम अपनी भूमिका अग्रणी रूप से निभा रहा है। हम सभी निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में निकल के हम सुबह से लेकर शाम तक एक एक गली एक एक घर जाकर कहीं पर हाथ की मशीन के द्वारा, कहीं बड़े टैंकर के द्वारा, जिस प्रकार से भी हो सके हम सैनिटाइज करा रहे हैं। हमारा प्रयास है ये बीमारी और ना फैले, इसको यहीं पर रोक दिया जाए। आरडब्ल्यू के लोग मौजूद हैं जिनके यहाँ सैनिटाइज कराया जा रहा है। आइए बात करते हैं, जानना चाहेंगे जिस तरह से सैनिटाइज को लेकर लोग कह रहे हैं कि सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, आपका क्या राय है इसमें? नहीं, हमारे यहाँ पूरा सैनिटाइज करा जा रहा है और दो या तीन दिन छोड़ के रोज ही हो रहा है और हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम हो। हमारे जो यहाँ के प्रमोद गुप्ता जी हैं वो पूरा, हम अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो हमारी सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो बात किया जिस तरह सैनिटाइज हो रहा है, किस तरह की प्रिकॉशन और लोग घरों में बत रहे हैं? नहीं, हमारे ऐसी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ घरों में सारे अंदर ही रहते हैं और ग्रुप में कम से कम खड़े हो रहे हैं और प्रमोद जी हमारे लगातार अनाउंसमेंट कराते रहते हैं सुबह कि घरों से कम निकलिए, गैदरिंग कम करिए। बस हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, जानते हैं कि सैनिटाइज के लिए उनका क्या राय है। बात करें जिस तरह देखा जा रहा है कि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके वार्ड में सैनिटाइज मशीन नहीं आती, निगम पार्षद नहीं आते हैं, कराया नहीं जा रहा है, तो आपकी क्या कहना है? नहीं, हमारे तो एक अनुरोध से प्रमोद जी ने हमें वो कराया और हम आरडब्ल्यू के मेंबर यानी कि अपने ग्रुप में भी हम एक मैसेज डालते रहते हैं कि लोग अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी तरह की कोई समस्या आती है, जैसे विकास जी हमारे प्रेजिडेंट हैं, मैं वाइस प्रेजिडेंट हूँ आरडब्ल्यू का, तो हम लोग आपस में डिस्कस करके किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें प्रमोद जी का पूरा सहयोग मिलता है। और ये दूसरी या तीसरी बार हमारे साथ यानी कि उनके कहने पे हमारे यहाँ ब्लॉक को सैनिटाइज कराया गया है प्रॉपर तरीके से और किसी भी समस्या के लिए, जैसे कूड़े की समस्या है या पार्क की समस्या है, सिर्फ प्रमोद जी को कहने की देर होती है और हमारी समस्या का निवारण हो जाता है, तो इससे हम फुल सेटिस्फाइड हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो इनिशिएटिव जो प्रमोद सर ले रहे हैं, इसी की वजह से हमारे ब्लॉक में इवन पूरे यमुना विहार में जो केसेस है बहुत कम है, गिने चुने आप देख सकते हैं, खाली दो ही केसेस हैं और इतने बड़े 4-5 हज़ार घर हैं यहाँ पे, तो एक ही बहुत एक कमेंडेबल एफर्ट है प्रमोद जी के द्वारा, जिसकी वजह से सैनिटाइजेशन भी हो रही है, सब चीज़ हो रही है कोरोना वायरस को लेके और अनाउंसमेंट भी होती रहती है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और बाकी सारे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यमुना विहार में प्रॉपर चेकिंग हो रही है पुलिस के द्वारा, फोर्स के द्वारा और एक नंबर ऑफ केसेस कम है हमारे यहाँ। पूरा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पूरे सावधानी और सतर्कता के साथ यहाँ पर पूरी मार्केट को सैनिटाइज किया जा रहा है और खुद स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी अपने सामने और बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही ध्यान से इसको सैनिटाइज को करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मार्केट हैं सार्वजनिक पहले से, वहाँ पर जनता का सुबह शाम आना जाना बहुत काफ़ी रहता है, तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह का कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके तहत यहाँ पर यह सैनिटाइज कराया जा रहा है। और जिस तरह से आरडब्ल्यू के लोगों ने बताया कि
यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ये सैनिटाइज को लेकर काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं और वो अपने पूरे वार्ड के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर मार्केट में इस सैनिटाइजर को करा रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता सुरक्षित रहे, उनके वार्ड की जनता सुरक्षित रहे। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। Audio Jungle.